भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जीएम में एचओडी के नीचे जो यूजर अकाउंट बनते हैं, जैसे कि ग्राम सरपंच, ग्राम सेवक या जो भी आपके पास बायर्स के लिए, कंसाइनी के लिए या पेमेंट अथॉरिटी के लिए जिनका आपको यूजर आईडी बनाना है, सेकेंडरी यूजर बनाना है, ये किस तरीके से बनाते हैं, इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग। तो देखिए, ये हम लोगों ने अभी आज एचओडी का अकाउंट खोल के रखा है। एचओडी के अकाउंट में आपको यहाँ पे एक यूजर का सेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे यूजर पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड। पहले तो आप डिवीजन बना सकते हैं, मैनेज डिवीजन, जो आपको कौन से डिवीजन का बनाना है। तो मैं यहाँ पे न्यू डिवीजन बनाता हूँ। न्यू डिवीजन में आप डिवीजन डालेंगे, आपको क्या डालना है, जैसे कि मैं कोई भी ग्राम सरपंच या सेवक, कोई भी पंचायत समिति का बनाता हूँ, तो पंचायत समिति, समिति एबीसी, उसका एक पिन कोड है, बल्कि एक मैंने पिन कोड बना दिया, ये मैंने अभी पिन कोड डाल दिया। ठीक है, यहाँ जीएसटी नंबर यदि है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो मेरा यहाँ पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया, पंचायत समिति एबीसी। मैं इसको कभी भी एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको एबीसी की जगह पे ओल्ड धूले डाल देता हूँ। और इसको सेव। तो जो भी आपको पंचायत समिति बनाना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे आपका एक नया बन गया। आप कभी भी इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया, बाद में मैं इसको डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अभी यहाँ इसके नीचे यदि आपको यूजर बनाना है तो आपको एड सेकेंडरी यूजर पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी यूजर बनेगा, यहाँ पे क्रिएट करके, क्रिएट पोस्ट रोल, यहाँ पे आपको यूजर आईडी सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका डेजिग्नेशन, डिवीजन, यहाँ पे देखिए डिवीजन आ जाएगा जो हम लोगों ने डिवीजन क्रिएट किया। इस पे रोल कौन सा रोल देंगे, बायर का दे सकते हैं, कंसाइनी का दे सकते हैं या पेमेंट अथॉरिटी का। तो आप यहाँ पे अलग अलग दे सकते हैं, कोई भी एक यूजर को बायर और कंसाइनी दे सकते हैं, और एक यूजर को आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट अथॉरिटी देना पड़ेगा। आप कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी दोनों एक को आप नहीं दे सकते, सिर्फ पेमेंट अथॉरिटी एक सिंगल को देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा बोलने का मतलब है, आपको यहाँ पे कम से कम दो यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एक को बायर और कंसाइनी और एक को पेमेंट अथॉरिटी का आपको देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रोल चूज करेंगे, रोल चूज करने के बाद यूजर आईडी, यूजर आईडी में जैसे आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, जरूरत नहीं कि आपको उसमें जेम का होना चाहिए, कैसे भी यूजर आईडी, उसके नाम से यूजर आईडी बना सकते हैं, सरपंच ग्राम सेवक का के नाम से बना सकते हैं। जैसे कि मैं यदि बनाता हूँ तो मैं कैसा बना रहा हूँ, ऐसे हम एक आईडी बनाएंगे, ये देखिएगा, चेक करेगा इस नाम से कोई यूजर आईडी तो नहीं, नहीं, तो मैं इस तरीके से एक आईडी बना लूंगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं ये फील इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता। आगे नहीं जाने का रीजन मेरे पास एक ही है, ऑफिशियल ईमेल। ये ऑफिशियल ईमेल मेरे पास नहीं होता है। यहाँ पे @NIC का मेल आईडी होना चाहिए या फिर जेम बायर का या .gov का, जो मेरे पास नहीं है, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाते। तो हमें एक जेम एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं यहाँ पे @gembuyer का ईमेल आईडी बना सकूं। वो कैसे बनाऊंगा, अप्लाई फॉर जेम बायर ईमेल आईडी, यहाँ पे जाने का। तो देखिए यहाँ पे आ गया एड यूजर डिटेल्स, तो यहाँ पे एड का यूजर डिटेल्स मुझे बनाना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखिए मैं डाल रहा हूँ, देख दत्तरा तारे फर्स्ट नाम है, रोल इसको क्या देना है, तो मैं बायर और कंसाइनी दोनों का रोल देना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर, सिटी, धुले और स्टेट, यहाँ पे महाराष्ट्र डाल दिया और इसको सबमिट। जैसे सबमिट कर देंगे देखिए इस तरीके से आपका आ गया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, क्लिक है। और यदि आपको नया यूजर ऐड करना है तो आप यूजर यहाँ से ऐड कर सकते, तो मैं यहाँ पे यूजर लिस्ट में भी जाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा यूजर लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे मिल गया है दत्तात्रेय इंगले करके आ गया है यहाँ पे। अभी देखेंगे जो लोग अप्रूव्ड हो गया उनका एक ईमेल आईडी अप्रूव्ड हो चुका है। इसको जनरली 2 to 3 days लगते हैं ये ईमेल आईडी आने, जैसे ही ईमेल आईडी आएगा तो फिर से आपको वहां पे जाके उस ईमेल आईडी के बेस पे आप अपना यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका एक बार यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया तो फिर बाद में आप इजिली वहाँ पे लॉग इन करेंगे। कैसे लॉग इन करेंगे देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी है, मैं इस ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करके दिखा, तो डैशबोर्ड ये एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे ऐड सेकेंडरी यूजर, क्रिएट रोल, यहाँ पे कैसे भी डालते गणेश नायक मैं डाल देता हूँ, मैं अभी पूरा नहीं बनाऊंगा। सिलेक्ट कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं ओल्ड धुले पे करता हूँ। रोल किसका देने का है आपको, बायर और कंसाइनी का, तो मैं इसको बायर और कंसाइनी दोनों पे दे देता हूँ। हो गया, यहाँ पे यूजर आईडी, यूजर आईडी में मैं इनके नाम से बना देता हूँ, गणेश नायक धुले। यहाँ पे ऑफिशियल मेल आईडी पे डाल दिया, ठीक है अभी ऐड पोस्ट करने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट करूंगा ये पोस्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेजिग्नेशन में डालना है सरपंच, तो मैं इस तरीके से डाल दूंगा और ऐड को पोस्ट कर दूंगा। जैसे ऐड पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे मेरा यूजर बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे यूजर आईडी बन जाएगा, ये यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। फिर आप इस यूजर के इस आपको एक पासवर्ड, इसके जब आप ईमेल डालेंगे तो इसका एक पासवर्ड भी आपको मिलेगा, जो आपको एसएमएस में मिलेगा, जो मोबाइल नंबर हम लोगों ने पहले डाला था। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी मिल गया और आपके पास पासवर्ड है ईएस यूजर आईडी, और आपको जो पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड के बेस पे आप डायरेक्ट लॉग इन हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से आपको लॉग इन यहाँ पे इजीली आप बना सकते हैं। सेम आपको दूसरा बनाना है तो इस तरीके से आप दूसरा भी बना सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट अथॉरिटी का हो गया है, दूसरा आपको पेमेंट अथॉरिटी को बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको पेमेंट अथॉरिटी करना है। तो एक डिवीजन पे आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा जो कोई भी डिवीजन कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर कोई सरपंच या ग्राम सेवक का आईडी यहाँ पे कैसे क्रिएट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। इस तरीके के हम लोग जेम ई टेंडर्स और भी जो भी पोर्टल्स है गवर्नमेंट्स के, उसके रिगार्डिंग हम रेगुलर हमारे पोर्टल चैनल पे वीडियो अपडेट करते रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।